वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों जल्दी से आ जाएंगे फटाफट से। आज जो है हम लोग सिलोज्म का आइदर और केस जो है बहुत अच्छे से और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जीवन में कभी किसी तरीके की समस्या इस आइदर और के केस में न रहे। इसके बाद सिर्फ एक पॉसिबिलिटी का केस रहेगा, उसको हम लोग कल पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग, सभी लोग जल्दी से आ जाएं, फटाफट से सेशन को शेयर कर देंगे एक बार सारे दोस्तों मित्रों के साथ में। हाउ आर यू गाइस, कैसे हो आप लोग, क्या हाल चाल है भाई। सभी लोग शेयर कर देंगे एक बार, सभी लोग अच्छे से शेयर कर दीजिए बढ़िया से। चलिए एक बार मैं भी जो है चैट खोल लेता हूँ, आपके जो मैसेजेस वगैरह है वो मैं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि आज बहुत ही अच्छे से चीज़ें डिटेल में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे फिर आपके लिए बहुत सारी क्लासेस भी दोस्तों लॉन्च होने वाली हैं। ठीक है, आपके लिए जो है साइंस की क्लास चालू होने वाली है, जीके जीएस की क्लास भी चालू होने वाली है मैथ रीजनिंग के साथ, ताकि आप लोग और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है जी हाँ, 22 तारीख को हम लोग लॉन्च करेंगे सुबह 10 बजे, और फिर उसके बाद में 23 तारीख से ही क्लासेस चालू हो जाएगी। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन तो ये है जो कि खुशखबरी के रूप में है आप लोगों के लिए। 2 मिनट का समय दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको आइदर और के केस में दिक्कत होती है, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग रूल्स पता हैं आपको, कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं है ना, और कुछ नए तरीके से चीज़ें जो हैं ऐड कर दी गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें हटी हैं। अगर आप अभी भी उन्हीं चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंसी रखने वाला है। ठीक है, चलिए मैंने भी शेयर कर दिया, आप लोग भी एक बार शेयर कर दीजिएगा, और आपके कमेंट्स भी अब मेरे पास खुल चुके हैं दोस्तों। ठीक है भाई, चलो हो गया भाई स्टार्ट, वेरी गुड। नहीं आएगी आज के बाद आपको आइदर और के केस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन फ्री रहिए, एकदम रिलैक्स रहिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि जो बच्चे नए हैं इस प्लेटफॉर्म पर और पहली बार जुड़े हैं, तो फटाफट से जल्दी से चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहें। और जिन्होंने भी सेशन को शेयर नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा जिन भी बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर चैनल, ये अपना टेलीग्राम है। ठीक है, क्या है, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, ये चैनल है। ठीक है, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर चैनल, इस पर आप लोग विजिट करिए। इसका लिंक है t.me/reasoninglivebydeepaksarchannel, पूरा लिखिएगा। हालांकि आप इसको जब सर्च करेंगे तो ब्रैकेट में आप चैनल लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में ही ग्रुप लिखा हुआ हो तो समझ जाइएगा कि ऑफिशियल ग्रुप। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों A to Z कंप्लीट रीजनिंग फाउंडेशन बैच जो है, जिसकी प्राइजेस अब 1199 रुपए होने वाली है, और उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का ऑफर भी नहीं रहने वाला है, मैं आपको बता देता हूं क्लियरली। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मात्र 700 रुपए में एक साल की वैलिडिटी के साथ जो है आप सभी लोगों को अभी ये जो बैच मिल रहा है, ये आप लोगों के लिए एक मतलब यूं कह सकते हैं कि आपने एक नई शुरुआत करी 2023 के इस साल में, तो आपको बूस्ट देने के लिए दोस्तों हालांकि प्राइजेस कम रखी थी, लेकिन इतनी भी ज्यादा हम लोगों प्राइस इसकी नहीं बढ़ाने वाले। 1199 रुपए इसकी प्राइस रहेगी, और D30 कोड का प्रयोग नहीं रहने वाला है। यह आपके पास में अंतिम मौका है, आप 400 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो इसके साथ फ्री दिए जा रहे हैं, ये तो रामबाण है। मतलब ये तो वो चीज है कि अगर इन टेस्टों को लगाने के बाद जो आपको आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट होगा, आपकी एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट होगा, और आप सिलेक्शन की उस दहलीज तक पहुंचोगे, ठीक है, जिस दहलीज पर आज स्वाद चख चुके हैं दोस्तों NTPC वाले स्टूडेंट जो कंटिन्यू अपने साथ बने रहे, ग्रुप डी वाले स्टूडेंट, SSC वाले स्टूडेंट, ऐसी कोई इंडिया की पोस्ट नहीं है दोस्तों जहां पर अपने से पढ़ा हुआ बच्चा आज पोस्टेड ना हो। ठीक है, ये अपने आप में गर्व की बात है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जब सिलेक्शन लें तो इस मंच का आप प्रयोग करें, और दुनिया में जग जाहिर हो कि आपने कितनी मेहनत की थी साथ में मिलकर। ठीक है, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और इस पर आपको ये बैच मिलने वाला है।
सैम टू सैम अमित सर आप लोगों के साथ धमाकेदार मेहनत कर रहे हैं। आज तो आप लोग अगर बैच को ज्वाइन करते हैं तो D30 कोड का प्रयोग करके 30% डिस्काउंट के साथ एक साल की वैलिडिटी वाला ये बैच आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे, जिसके अंदर आपको 400 फुल लेंथ टेस्ट, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी के मिल रहे हैं। और अगर आप कॉम्बो बैच लेते हैं तो आज फाइनल डे है आपके पास में, और इसकी प्राइस मात्र 1330 रुपए रखी गई है। आज आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 12 महीने की वैलिडिटी तो है ही दोस्तों इस बैच में। इस बैच में एक बैच तो पूरा रिकॉर्ड करके डाल दिया है, एक बैच तो पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिल रहा है। मतलब ये बहुत शानदार चीज है, आज तक ऐसा कोई नहीं कर रहा। लोग रिकॉर्डेड अलग देते हैं, लाइव अलग देते हैं, भैया हम रिकॉर्डेड पूरा एक साथ दे रहे हैं, ठीक है। प्लस लाइव तो आपको दे ही रहे हैं, जो लाइव जो बाद में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है वो तो आपको मिलेगा ही डेली बेसिस पर जो क्लास होगी। इसके अलावा एक बैच पूरा हमने रिकॉर्ड करके पूरा डाल दिया है। अगर किसी बच्चे का मन है कि मुझे तो 10 दिन में पूरा बैच खत्म करना है, पढ़ के सारे कंसेप्ट क्लियर करने, बढ़िया तैयारी है मेरी, तो भैया उसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस बैच को इस प्रकार से ज्वाइन कर पाएगा। लाइव तो उसको डेली क्लास मिलेगी ही, 1 ईयर की वैलिडिटी आपकी आज से चालू होगी। ऐसा नहीं होगा कि बैच जब से चालू हुआ है तब से आपकी वैलिडिटी चालू होगी, जी नहीं, आपकी वैलिडिटी आज से चालू होगी। आज 20 तारीख है ना, तो 20 जनवरी 2023 से 20 जनवरी 2024 तक आपके पास वैलिडिटी रहेगी इस बैच की। इसके अंदर आपको डेली क्लास की पीडीएफ, प्रैक्टिस पीडीएफ, डाउट सेशन, आज डाउट सेशन रखा है मैंने, ठीक है। इसके अलावा डाउनलोड करने के ऑप्शंस, वीडियो पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन, प्रिंटेबल नोट्स, साथ ही साथ बूस्टर टेस्ट सीरीज, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। लैपटॉप और कंप्यूटर पे आप लोग लगा सकते हो टेस्टों को, और इसके जो वीडियोस है उसको आप देख सकते हो। रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर, ये अपनी ऐप है, इस ऐप को आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च करिए। सर्च करने के बाद में आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए ऐप को, और ये देखिए पेड कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर है। ये अपना टेलीकॉलिंग नंबर है जिस पर आप लोग कॉल करेंगे 11 से, ठीक है, इसका टाइमिंग अब फिक्स कर दिया गया है 11 से 6 बजे तक, ठीक है। आपको जब भी कॉल करना हो तो आप 11 से 6 के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये अपने जो ऑफिस का टाइम है उस समय पर आपके पास अवेलेबल रहेगा, ठीक। 400 मॉक टेस्ट मात्र 1 रुपए में मिल रहे हैं जीडी के, जिनके बच्चों के एग्जाम हैं अभी 14 फरवरी तक एग्जाम चलेंगे, तो आप लोगों के पास बढ़िया मौका है कि आप लोग इसे लगाते रहे, बहुत हेल्प मिल रही होगी आप लोगों को। लैपटॉप पर बैठ के लगाओ या वेबसाइट पे, मतलब ऐप पे लगाओ, या आपकी चॉइस है। मैं तो कहूँगा आराम से लैपटॉप पे बैठ के लगाओ, कंप्यूटर पे बैठ के लगाओ, ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती रहे, ठीक है। CGL के टेस्ट भी अवेलेबल हैं, CHSL के भी हैं, ALP RPF के 99 रुपीज में धमाकेदार टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दी गई है। अभी 20 टेस्ट तो लाइव कर दिए हैं, ठीक है, बाकी के टेस्ट जो है नोटिफिकेशन आने के बाद में लाइव करेंगे, ताकि अगर पेपर में कोई भी पैटर्न में बदलाव होता है तो ज़्यादा समस्या ना हो। आप जब तक 20 टेस्ट तो लगाइए, ठीक है, क्लियर है। और कंप्लीट पूरे 2000 टेस्ट अगर आपको चाहिए तो 199 रुपीज में अवेलेबल, ठीक। ये बुक है अपनी, रेलवे ALP RPF के लिए बुक है, जिसके अंदर 100 सेट अवेलेबल हैं। ये 100 सेट वाली जो बुक है इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर 3000 प्रश्न हैं बायलैंग्वल कंटेंट के साथ, हिंदी और इंग्लिश में। ऐप पर ही आपको इस बुक का लिंक मिल जाएगा बुक्स वाले सेक्शन में, ठीक है। ये रहा पेड कोर्स के पास में बुक वाला सेक्शन है, इस बुक्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगी चीज़, ठीक है। 30% का डिस्काउंट आज समाप्त, फाइनल है, क्लियर है, ठीक है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, आज आइदर और को देखते हैं। ओनली का कंसेप्ट, ओनली ए फ्यू का कंसेप्ट, सारी चीज़ें देख लिया, ठीक है। आज भैया हम लोग जो हैं, देखिएगा इधर, देखिएगा आइदर और का केस देखते हैं, देखना भाई जी। कर सकते हैं पटवारी के लिए, कर सकते हो यार, रीजनिंग सब में कॉमन होती है। आइदर और का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले तो इसका अर्थ समझो आप। आइदर और कब बोलोगे आप, आइदर और, देखना समझना भाई, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है, हमें परमानेंटली समझना है, ये हमारा मेन मकसद है। आइदर और का मतलब होता है दोस्तों या वाली स्थिति। आइदर और का मतलब क्या होता है, या वाली स्थिति। या वाली स्थिति कहां लगाते हैं, या तो ये या तो वो, ऐसे तो लगाते हो, या तो ये या तो वो, ये कब लगाते हो आप,
ये तब लगाते हो जब आपको डाउट होता है। तो याद रखना आइदर और की स्थिति आप वहां लगाते हैं जहां आपको होता है डाउट, जहां आपको होता है मित्रों संदेह। क्या होता है? जहां आपको डाउट होता है, जहां आपको संदेह होता है। आइदर और आप कहां लगाते हैं? जहां आपको डाउट होता है, जहां आपको संदेह होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर सिलोज्म के प्रश्न में अगर एक डायग्राम बन रहा हो, अगर एक ही डायग्राम बन रहा हो, तो क्या एक डायग्राम में कभी डाउट हो सकता है क्या? अगर किसी चीज का एक डायग्राम बन रहा है तो उसमें कभी भी डाउट नहीं होगा। यानी कि आइदर और की स्थिति कहां लगेगी? जहां डाउट हो। और डाउट कहां होगा? जहां एक से अधिक डायग्राम हो। पहली बात तो यहां समझना, यानी कि प्रश्न के जब एक से अधिक डायग्राम बन रहे हो, एक से अधिक डायग्राम बन रहे हो, ठीक है, एक से अधिक डायग्राम बन रहे हो, वहां लगता है आइदर और। पहली चीज तो ये समझ में आई कि नहीं आई? मेरा समझाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, मैं बिल्कुल आम भाषा में बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से चीजों को मैं लेके चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सीधी सी बात है, आइदर और का मतलब होता है या वाली स्थिति। और या वाली स्थिति कहां लगती है? जहां हमें चीजों के बीच में डाउट होता है, जहां चीजें क्लियर नहीं होती, जहां हम 100% श्योर होंगे ना, वहां आइदर और कभी नहीं लगेगा। जहां हमें डाउट होगा, और डाउट कहां होगा? जब हम 100% श्योर नहीं होंगे, जब हम 100% श्योर नहीं होंगे, जहां हम 100% श्योर नहीं होंगे, है ना, जहां हम 100% श्योर नहीं होंगे वहां लगेगा आइदर और वहीं होगा डाउट। जहां जब हम 100% श्योर नहीं होंगे वहीं होगा डाउट, और डाउट के लिए सिंपल सा कंसेप्ट ये, जहां लगेंगे एक से ज्यादा डायग्राम। तो यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी भी तरीके का संदेह हो। जो बच्चा अपने से आज पहली बार जुड़ा है उससे अनुरोध है कि प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह सारी चीजें दोस्तों आपको पढ़ा दी है ना, आप आराम से जाके चेक कर सकते हैं लिस्ट। चलिए देखिएगा इधर, अब मैं रूल लिख रहा हूं वन बाय वन दोस्तों, पर रूल लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आइदर और की स्थिति कहां बनेगी। जहां एक बार किसी चीज के होने और उसी क्वेश्चन में उस चीज के न होने की बात हो रही होगी, आइदर और वहीं लगता है। आइदर और कहां लगता है? जहां किसी चीज के होने और फिर उसी प्रश्न में न होने की बात होती है, तो आइदर और मित्रों वहीं लगता है। जैसे देखिएगा, जैसे कुछ हैं और कोई भी नहीं है, कुछ हैं और कोई भी नहीं है। एक बार बोलेगा कि ए के ए कुछ ए बी हैं, दूसरी बार बोलेगा कि कोई भी ए बी नहीं है, तो आप कहोगे कि यार ये कैसा बेवकूफ है, एक बार बोल रहा है दूसरी बार बोल रहा है नहीं है, या तो वो चीज होगी या फिर वो चीज नहीं होगी। तो भैया ये पहला केस बन गया आइदर और का समन। दूसरा केस आपको मैं बता दूं कि हट गया है, ठीक है, ये वाला केस हटा दिया गया है, सम और सम नॉट, ठीक है, सम और सम नॉट का जो केस है दोस्तों उसको हटा दिया गया है। इसका क्या कारण रहा इस पर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर कि अब कौन से दो केस मान्य हैं। सिर्फ यही दो केस मान्य हैं कि एक बार तो दोस्तों मैं बोलूं कि एक गिलास का पूरा दूध मैंने दूसरे गिलास में डाल दिया। अगर एक गिलास का पूरा दूध मैंने दूसरे गिलास में डाल दिया, और मैं उसी वाक्य में कह रहा हूं, आगे उसी प्रश्न में कह रहा हूं कि एक गिलास का कुछ दूध दूसरे गिलास में नहीं है, तो ये तो गलत हो गया ना भाई। या तो आपने पूरा का आप कह रहे हो एक तरफ तो कि पूरा का पूरा एक गिलास का दूध तुमने दूसरे गिलास में डाल दिया, तो सारा दूध चला गया ना दूसरे गिलास में। और उसी प्रश्न में कह रहा हूं कि कुछ दूध ऐसा है गिलास एक का जो दो में नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है? या तो पहला वाला सेंटेंस रहोगे या दूसरा वाला सेंटेंस रहोगे, ठीक है। तो जैसे ये बोल रहा है ना कि कुछ ए बी हैं और दूसरी तरफ बोल रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है, तो सम और नो के केस में कुछ है और कोई भी नहीं है के केस में आइदर और लगता है,
और दूसरा केस अब आप याद रखेंगे कि ऑल, अगर कोई चीज पूरी ही डाल दी तो कुछ नहीं डाली ये चीज गलत हो जाएगी फिर। तो ऑल और सम नॉट के केस में आइदर और लगता है, एक तो लगता है सम और नो के केस में आइदर और एक लगता है ऑल एंड सम नॉट के केस में आइदर और। ये दो केस आइदर और के होते हैं, ठीक है। अब रूल भी सुन लो कि आइदर और लगाने से पहले करना क्या क्या है भाई साहब। अरे आइदर और तो बाद में चेक करते हैं, ठीक है। रूल्स फॉर आइदर और केस, ठीक है, रूल्स फॉर आइदर और केस। तो पहला रूल ये कहता है कि आइदर और चेक करने से पहले, आइदर और जांचने, हिंदी में बोलते हैं जांचने, चेक करने से पहले अर्थात जांचने से पहले, पहले नाइदर नोर बनना चाहिए भैया, नाइदर नोर बनना चाहिए, आइदर और तो बाद में चेक करते हैं भैया, पहले क्या चेक करोगे, नाइदर नोर। नाइदर नोर का मतलब होता है अर्थात अलग अलग जांचने पर, अर्थात अलग अलग जांचने पर, अर्थात अलग अलग जांचने पर, ठीक है। आइदर और जांचने से पहले नाइदर नोर बनना चाहिए अर्थात अलग अलग जांचने पर, है ना, अर्थात अलग अलग जांचने पर निष्कर्ष रॉन्ग होने चाहिए। नाइदर नोर का मतलब होता है दोनों गलत, रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों क्या बना, जल्दी से सभी लोग फटाफट से बताएंगे कि यस सर बिल्कुल सही है भैया, आइदर और तो बाद में चेक करोगे, पहले चेक करोगे नाइदर नोर। आपने चेक किया निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष आपके गलत होने चाहिए पहले तो, ठीक है। आइदर और तो बाद में चेक करेंगे, ठीक है, पहले क्या होना चाहिए, दोनों नाइदर नोर बनने चाहिए, यानी नाइदर नोर बनेगा ना तभी आप आगे आइदर और की तरफ जाओगे, ठीक है। सेकंड रूल, दोनों निष्कर्ष में से एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष भाई, दो निष्कर्ष होने चाहिए आइदर और के केस के लिए, इसलिए दोनों निष्कर्ष में से एक निष्कर्ष पॉजिटिव और दूसरा निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। दोनों निष्कर्ष में से एक निष्कर्ष पॉजिटिव और दूसरा निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। दोनों निष्कर्ष में से एक निष्कर्ष पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा रूल नंबर। तीसरा नंबर का रूल ये कहता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, निष्कर्ष में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होने चाहिए, है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होने चाहिए। जैसे मैंने बोला कि कुछ ए बी हैं, तो नीचे वाली लाइन में लिखा होगा कोई भी ए बी नहीं है, यानी ए और बी दोनों बार ए बी की बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लाइन में तो लिखा है कुछ ए बी हैं, फिर दूसरी लाइन में लिखा है कि कोई भी बी सी नहीं है,
एक नया आ गया भैया यहां पर लेटर, क्या सी, वो नहीं होना चाहिए, ए बी, ए बी ही होना चाहिए। हाँ ऑर्डर इनके चेंज हो सकते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, ऑर्डर में भी डिफरेंट, ठीक है, ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं, ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं, सम नो के केस में ओनली, सम नो के केस में ओनली, यानी कि ए बी भी हो सकता है सम नो के केस में, तो ए बी हो सकता है ना, ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं भैया, ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक, ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं, देखना भी है ना, ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं सम नो के केस में ओनली, यानी ए बी हो सकता है, ए बी का बी ए बी हो सकता है, लेकिन भैया यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑर्डर डिफरेंट नहीं हो सकते, एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर, कहीं ऑल और नो के केस में ऑर्डर ना चेंज कर लो आप, ऑर्डर डिफरेंट नहीं हो सकते, ऑर्डर डिफरेंट नहीं हो सकते ऑल और सम नोट के केस में, ऑर्डर डिफरेंट नहीं हो सकते ऑल और सम नोट के केस में, यानी कि यहां पर तो ए बी है ना, तो ये तो सही है ही, ठीक है, ए बी और यहां लिख दिया अगर हमने बी ए, तो ये नहीं हो सकते, ठीक है, ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है, यहां पे ए बी रहेगा या ए बी का बी ए बी हो सकता है नीचे वाली लाइन में पॉजिटिव नेगेटिव, परंतु भैया यहां पर ए बी ही रहना चाहिए, ए बी बी ए नहीं हो सकता, ऑल और सम नोट के केस में ये भी डिफरेंट नहीं हो सकता, ध्यान रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखिए चैप्टर चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि कैसी चीजें चल रही हैं, है ना, क्लियर है, अब देख एक्चुअली में क्या है ना कि जिस जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है तो उसके लिए तो बहुत सारी चीजें घुसेगी एकदम से दिमाग में, लगेगा कि यार ये चार चीजें हैं क्या ही करें, ठीक है, और कुछ लोगों को जो ज्यादा होशियार है ना उनको लगेगा कि बोरिंग है, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ मेरी क्लास में आए ही मत करो, ओपनली बोल रहा हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ मुझे फर्क ही नहीं पड़ता भाई, मुझे फर्क उससे पड़ता है कि जिससे पढ़ के तुम तुम्हारी सिलेक्शन की ओर ले जाओ, ठीक है, हजारों टीचर है, मैं क्या कह रहा हूँ हजारों टीचर है आराम से मस्ती से, ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं सीधा सा बोल रहा हूँ कि मैं सेवा कर रहा हूँ भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मेरे पास काम करने के लिए बहुत चीज़ें हैं आराम से, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपना समय उनको दे दूंगा जिनको वास्तव में मेरी ज़रूरत है, आपके अलावा भी बहुत से ऐसी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको वास्तव में किसी की ज़रूरत है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है भाई साहब, न घर है, न झोपड़ी है, ठीक है, न कोई गाइड करने वाला है, न उनके माँ बाप इतने अमीर हैं कि भाई वो उनको अच्छी जगह पे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा पाए, ठीक है, उनके लिए काम कर लेंगे, मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ सीधी सी बात है, ठीक है, इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि अगर आपको कहीं बुरा लगे कहीं बोरिंग लगे ना, मैं तो कह रहा हूँ आराम से जाओ, दुनिया में बहुत टीचर हैं भाई, पढ़ो आराम से, जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है वहाँ पढ़ो, पर बाकी अगर सिलेक्शन के लिए पढ़ना है और एक बार में ही परमानेंट पढ़ रहा है तो बिल्कुल सही जगह है, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक, अगर बोरिंग लग रहा है लग रहे थे यार मुझे क्या फर्क पड़ रहा, मैं तेरा हाथ पकड़ के तो लाया नहीं हूँ तुझे, ठीक है, कि तू आ मेरी क्लास में, अरे भाई जा, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ,
अब इसको तुम एटीट्यूड समझो या इसको तुम कॉन्फिडेंस समझो, इतना तो मुझे पता है कि यहां से पढ़ने के बाद तेरा जीवन का कोई से भी किताब उठा लेना, कोई सा भी प्रश्न उठा लेना, किसी भी एग्जामिनर का बनाया हुआ कैसा ही क्वेश्चन उठा लेना, चाहे प्रीवियस ईयर का हो या फिर अपकमिंग आने वाला हो, वो कर पाएगा, बस इतना मैं जानता हूं। क्यों, क्लियर? क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देख लेना भाई, यहां पर देखना आइदर ओर का जो केस है, आइदर ओर के दो ही केस अब यहां पर वैलिड हैं, एक तो है सम और नो, कुछ है कोई भी नहीं है, दूसरा है ऑल और सम नोट, सभी हैं कुछ नहीं है। ठीक, सम और सम नोट वाला केस हटा दिया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे, पर फटाफट से एक बार रूल रिवाइज कर लो, आइदर ओर जांचने से पहले बनना चाहिए नाइदर नोर, अर्थात अलग अलग जांचने पर निष्कर्ष क्या होने चाहिए दोस्तों, रॉन्ग होने चाहिए। ठीक, दोनों निष्कर्ष में से एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, सब्जेक्ट प्रिडिकेट क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, परंतु ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं सब्जेक्ट प्रिडिकेट के, कौन से केस में, सम और नो के केस में, ए बी ए बी हो सकता है तो ए बी का बी ए बी हो सकता है, लेकिन ऑल और सम नोट के केस में तो ऑर्डर भी समान नहीं हो सकते, ऑर्डर भी सेम रहेंगे, अगर आगे ए पीछे बी लिखा है तो नीचे वाले सेंटेंस में भी आगे ए पीछे बी लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर ए आगे ए पीछे बी है तो नीचे बी और ए हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अब एग्जांपल के तौर पे हम लोग चीजों को समझते हैं, देखिएगा इधर, ठीक, चलिए देखिएगा इधर, चलिए देखिएगा इधर दोस्तों, फटाफट से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब मैं डायग्राम, ये क्वेश्चन है मेरा और इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये कंक्लूजन है, और फिर दो क्वेश्चन है यहां पर, वापस से यही स्टेटमेंट देखना है और फिर ये कंक्लूजन है, यानी स्टेटमेंट के साथ मेरे को दो क्वेश्चन समझाने ताकि मैं आपको एक बार में सारी चीजें सिखा पाऊं। देखिएगा इधर क्या लिखा हुआ है, ऑल एप्पल आर बनानास, क्या है स्टेटमेंट, 100% क्या है ट्रू मानेंगे, ये क्या है 100% ट्रू मानेंगे, स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानना है, 100% ट्रू मानेंगे इसका मतलब ही क्या है कि 100% सत्य है, 100% सत्य मान के डायग्राम बनाने, ठीक है इनमें कभी गलती नहीं होनी चाहिए, तो चलो बनाते हैं डायग्राम, ऑल एप्पल आर बनाना, देखो अभी इधर ऑल एप्पल्स आर बनाना, नो एप्पल आर चेरी, ऑल एप्पल आर बनाना, सारे एप्पल बनाना है, ये सब्जेक्ट है, पीछे वाला प्रिडिकेट होता है, बात हमेशा सब्जेक्ट की होती है ना, ऑल एप्पल आर बनाना, और अब आगे मैंने बोला नो एप्पल, नो एप्पल आर चेरी, रुकावट किस पे जल्दी बताओ, रुकावट किस पे है दोस्तों, रुकावट है एप्पल और चेरी पर, बनाना पर तो कोई रुकावट नहीं है ना, तो मुझे तो बस इतना बता दो क्या हम एक से ज्यादा डायग्राम बना सकते हैं, क्या क्या हम एक से ज्यादा डायग्राम बना सकते हैं, जी बिल्कुल बना सकते हैं, आप कहोगे कि सर ऑल एप्पल आर बनाना, ठीक है ये बनाया आपने, और उसने बोला नो एप्पल आर चेरी, कोई भी एप्पल चेरी नहीं है, तो साफ साफ आप लोग देख सकते हो कि एप्पल वाला पोर्शन चेरी में नहीं जाएगा, कुल मिला के बात इतनी कही गई है कि कोई भी एप्पल जो है चेरी नहीं है। ठीक, अब यहां पर दोस्तों एक बात सुनना ढंग से, अच्छे से समझना कि रुकावट एप्पल और चेरी पर थी, बनाना पर नहीं थी, तो बनाना वाला पोर्शन चाहे तो चेरी को आधा काटे, बनाना वाला पोर्शन चाहे तो चेरी को पूरा कवर कर जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, बनाना पर थोड़ी ना कोई रुकावट है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस से रिलेटेड डायग्राम एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है, तो आपको पता है कि बनाना वाला जो पोर्शन है वो चेरी को आधा काटे, बनाना वाला पोर्शन चेरी को पूरा काटे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इस पर कोई रुकावट नहीं है, अर्थात इस प्रश्न के एक से ज्यादा डायग्राम बन रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर समझना चीजों को, उसने दिया सम बनाना आर चेरी, कुछ बनाना चेरी हैं, क्या इस डायग्राम में बनाना चेरी है क्या, आप तो मुझे ये बताओ, उसने कहा कुछ केले चेरी हैं, कुछ बनाना चेरी हैं, क्या इस डायग्राम में बनाना चेरी है, आप कहोगे जी नहीं इस डायग्राम में बनाना चेरी नहीं है, क्या इस डायग्राम में बनाना चेरी है, आप कहोगे कि हां कुछ बनाना चेरी हैं इस डायग्राम में, लेकिन अब ये क्या हुआ, एक में गलत एक में सही,
तो आपको पता है अगर सब में सही तो सही होता है, अगर एक में भी गलत तो वो चीज क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो पहला वाला कंक्लूजन गलत है। उसने बोला सम बनाना आर चेरी, आपके दिमाग में आया यार यहां तो कोई भी बनाना चेरी नहीं है, ठीक है तो ये हो गया रॉन्ग। सम बनाना आर चेरी राइट, यहां पर सही है, एक में रॉन्ग एक में राइट, तो एक में भी रॉन्ग तो वो चीज क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक, अब यहां पर देखना सेकंड वाला क्या बोल रहा है, नो बनाना आर चेरी, नो बनाना आर चेरी, कोई भी बनाना चेरी नहीं है, कोई भी बनाना चेरी नहीं है। अब आप कहोगे कि हाँ सेकंड वाला इसमें सही है, अब वो बोल रहा है कि नो बनाना आर चेरी, कोई भी बनाना चेरी नहीं है, अरे यहां तो मुझे बनाना चेरी दिख रहा है, तो आप कहोगे कि यार ये हो गया रॉन्ग। अब फिर से देखो, एक में राइट एक में रॉन्ग, एक में भी रॉन्ग तो वो चीज क्या हो जाती है, रॉन्ग। तो भैया पहला रूल तो हमारा, अभी मुझे नहीं पता इसके अंदर आइदर और है या नहीं है, अभी तो बस मुझे ये पता है कि ये दोनों अलग अलग चेक करने पर गलत हो चुके हैं, यस और नो मेरे भाइयों, बस मुझे इतना बता दो, समझ में आ गया क्या कि हाँ सर अलग अलग चेक करने पर दोनों हो गए हैं गलत, और रूल यही कहता है कि आइदर और बनने से पहले दोनों अलग अलग जांचने पर क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। तो ये काम तो हो गया, अलग अलग जांचने पर रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब फिर हमने देखा कि एक सेंटेंस पॉजिटिव है और एक सेंटेंस नेगेटिव है। कुछ केले चेरी हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई भी केला चेरी नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो भैया दूसरा वाला भी रूल फॉलो हो गया, उसने बोला था कि एक निष्कर्ष आपका पॉजिटिव सकारात्मक और दूसरा होना चाहिए नेगेटिव नकारात्मक, तो सेकेंड रूल भी फॉलो हो गया। क्या सब्जेक्ट प्रिडिकेट सेम है क्या? जी हाँ, सब्जेक्ट प्रिडिकेट भी सेम है, यहां बनाना और चेरी की बात हो रही है, तो नीचे वाले सेंटेंस में भी बनाना और चेरी की बात हो रही है, और केस भी सम और नो का बन रहा है। तो हमें पता है कि सम और नो के केस में क्या बनता है, आइदर और बनता है। तो ये रहा भैया सम और नो के केस में क्या बन गया, ये केस किसका बनेगा, आइदर और का बनेगा। कौन कहता है कि जीवन में आइदर और समझ नहीं आता, किसने कहा, किसने कहा कि जीवन में आइदर और समझ नहीं आता। भैया ये आपके सामने लाइव एग्जांपल, हमने एक डायग्राम बनाया, ऑल एप्पल आर बनाना और नो एप्पल आर चेरी। ठीक है, अब रुकावट एप्पल और चेरी पर है, बनाना पर नहीं है। तो दिमाग में रखना है कि बनाना वाला पोर्शन चेरी को काट भी सकता है, बनाना वाला पोर्शन चेरी को पूरा भी कवर कर सकता है। ठीक है, अब इस कंक्लूजन में बोल रहा था कि कुछ बनाना चेरी है, ठीक है तो इस डायग्राम में बनाना चेरी नहीं है, गलत। कुछ बनाना चेरी है, जी हाँ इसमें बनाना चेरी है, एक में गलत एक में सही, एक में भी गलत तो कंक्लूजन होता है गलत। नेक्स्ट, नो बनाना आर चेरी, कोई भी बनाना चेरी नहीं है, तो इस डायग्राम में हमें दिखा कि हाँ कोई भी बनाना चेरी नहीं है, इसमें सही दिखा, पर इसमें तो बनाना चेरी है, इसमें गलत हो गया। फिर से एक में सही एक में गलत, तो इंडिविजुअली चेक करने पर दोनों हो रहे हैं गलत, इंडिविजुअल चेक करने पर दोनों गलत हो रहे हैं। एक सेंटेंस पॉजिटिव एक सेंटेंस नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्रिडिकेट भी सेम है, बनाना चेरी की बात हो रही है, सम और नो का केस बन रहा है, तो ये केस किसका बनेगा, ये केस आइदर और का बनेगा। यस और नो दोस्तों जल्दी से बता दो फटाफट से कि यस सर ये केस बन गया आइदर और का, सभी लोग थम्सअप कर देंगे जबरदस्त तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट अगला वाला देखेंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन देखिएगा, अब मैंने आपको बोला था कि सम और नो का केस, सम और नो के केस में तो आइदर और बनता है, लेकिन सम और सम नोट के केस में से आइदर और हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे टीचर्स के मध्य में इस पर कंट्रोवर्सी चल रही है। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोवर्सी आती कहां से है कि सर सम और सम नोट के केस को क्यों हटा दिया गया, ये कंट्रोवर्सी आती है एग्जामिनर के द्वारा दिए गए आंसर्स से। 2016 में सम और सम नोट के केस को आइदर और में रखा गया, 2018 में एसएससी ने एग्जाम लिया और उसके बाद सम और सम नोट के केस को आइदर और में नहीं रखा, ना आइदर नोर में रखा। 2021 में फिर से एग्जाम हुआ, उसके बाद फिर दोस्तों ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम्स में से फिर से सम और सम नोट के केस को आइदर और से हटा दिया। तो फाइनली प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से सम और सम नोट के केस को आइदर और से हटा दिया। ठीक है, अब लेकिन यहां पर देखते हैं कि क्या इसका कारण रहा। जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसको देखना क्या बोल रहे हैं, इस जगह देखिएगा क्या बोल रहे हैं, सम बनाना आर चेरी। चलो इस वाले को करते हैं, अब ये प्रश्न है हमारा और ये अपना कंक्लूजन, चलिए इसको भरते हैं। उसने बोला सम बनाना आर चेरी, तो मुझे बताना क्या बनाना चेरी है। उसने बोला सम बनाना आर चेरी, गलत। सम बनाना आर चेरी, इसमें क्या है, सही।
तो आप कहोगे कि हाँ यार सम बनाना आर चेरी इसमें गलत है, इसमें सही है, एक में भी गलत, तो वो चीज क्या हो जाती है, गलत। अब इसको चेक करते हैं, सम बनाना आर नॉट चेरी, कुछ बनाना चेरी नहीं है। जी हाँ, ये पूरा बनाना वाला पोर्शन है, और इस पूरे बनाना वाले पोर्शन में से ये वाला जो पोर्शन है, जो एप्पल और बनाना का कॉमन पोर्शन है, ये कभी चेरी नहीं हो सकता। आप खुद देख लो, उसने बोला कुछ केले चेरी नहीं है, तो बिल्कुल ये पूरा केले का पोर्शन है, बनाना का पोर्शन है, और उसमें से ये वाला पोर्शन है जो एप्पल और बनाना का कॉमन पोर्शन है तो बनाना का ही पोर्शन है ना, बनाना की बाउंड्री इतनी बड़ी है और ये एप्पल और बनाना का कॉमन पोर्शन है। तो अब वो कह रहा है कि कुछ बनाना चेरी नहीं है, तो सच बोल रहा है, क्योंकि एप्पल कभी भी चेरी नहीं हो सकता, तो एप्पल और बनाना का ये जो कॉमन वाला पोर्शन है वो भी कभी चेरी नहीं हो सकता, तो वो इसका मतलब सच बोल रहा है, ये बात इसमें बिल्कुल सच है। उसने बोला कुछ बनाना चेरी नहीं है, तो बिल्कुल सच बोल रहा है, ये वाला बनाना का पोर्शन ये चेरी नहीं है। इसमें चेक कर लो, फिर से उसने बोला कि कुछ बनाना चेरी नहीं है, चलो सेकंड वाले डायग्राम में चेक करते हैं। भाई इस वाले डायग्राम में भी बिल्कुल सच बोल रहा है, ये वाला बनाना का पोर्शन जो एप्पल और बनाना का कॉमन पोर्शन है, ठीक है, ये कभी भी चेरी नहीं हो सकता, क्योंकि एप्पल कभी चेरी नहीं हो सकता, कथन में दिया है नो एप्पल आर चेरी, और कथन में दी गई बात तो 100% सत्य लेनी पड़ेगी। जब एप्पल चेरी नहीं है तो एप्पल और बनाना का कॉमन वाला पोर्शन ये भी चेरी नहीं है। तो भैया सेकंड वाली चीज तो यहां भी सही हो गई, अरे सेकंड वाली चीज यहां भी सही हो गई, सेकंड वाली चीज यहां भी सही हो गई, अरे सब में सही तो फिर सही लिया जाता है ना, सब में सही तो क्या लिया जाता है, सही लिया जाता है, लेकिन आइदर और लगाने का तो रूल ही पहले ये कहता है कि अलग अलग जांचने पर रोंग होने चाहिए, परंतु अलग अलग जांचने पर रोंग कहां हुए, पहला वाला तो रोंग हुआ, सेकंड वाला सही हुआ, तो यहां पे आंसर क्या बनेगा, यहां पे आंसर क्या बनेगा भैया, यहां पर आंसर बनेगा सेकंड फॉलो, यहां पर आंसर क्या बनेगा दोस्तों, यहां पर बनेगा सेकंड फॉलो। तो सो दोस्तों जल्दी से बताओ, फटाफट से बताइए यहां पर आंसर क्या बनेगा, सेकंड फॉलो। अब तुम कह दो कि एक चीज, एक सेंटेंस पॉजिटिव है, एक सेंटेंस नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, सम सम नोट का केस बन रहा है, तो आइदर और लगेगा। जी नहीं, आइदर और नहीं लगेगा, क्योंकि एक कंडीशन वैसे भी रॉन्ग हो चुकी है कि ये वाला रॉन्ग है, ये वाला सही है, और एक में भी सही मतलब सब में सही, तो फिर वो चीज क्या ली जाती है, सही ली जाती है। इसलिए सेकंड वाले क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सेकंड फॉलो, परंतु इससे पहले वाले प्रश्न में सारी कंडीशन फॉलो हो रही थी, तो ये केस किसका बना था, आइदर और का। अब कौन कहता है कि समझ में नहीं आया, क्योंकि जब मैं ये क्वेश्चन, जब ये सेशन में लेके आता हूं ना, जब मैं पढ़ाता हूं, तो स्टार्टिंग में दोस्तों क्या होता है ना, ऐसा लगता है थोड़े थोड़े चक्कर आ रहे, फर्स्ट डे, फिर सेकंड वाले दिन चक्करों की संख्या बढ़ जाती है, तीसरे वाले दिन चक्करों की संख्या अपने पीक पर होती है और हम घूमने लग जाते हैं, झूम बराबर झूम, ठीक है, चौथे वाले दिन धीरे 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 जब डोज मिलती है तो वो चक्कर कम होते जाते हैं, पांचवें दिन वो चक्कर बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं और बिल्कुल हम स्वस्थ हो जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर हम लोग ये कहते हैं अरे आ जा तो कोई सा भी प्रश्न आ जा, अरे किसी भी एग्जाम का प्रश्न आ जा, फोड़ के रख देंगे, तोड़ के रख देंगे। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा जिस दिन मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूंगा, ठीक है। इसलिए जिसने पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखा है वो पार्ट वन पार्ट टू भी जाकर देखे और फिर आइदर और के केस को करे, तब आएगा मजा, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया, सभी बच्चे थम्सअप कर देंगे एक बार। जिसको बोरिंग लगता है, अगर एंटरटेनिंग करना हो ना मुझे इस क्लास को, तो तुम हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे मेरे भाई, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी पहले चीजें सीख लो, वो समय भी आएगा, ठीक है, वो समय भी आएगा और वो मंजर भी आएगा जिस दिन आपको नींद नहीं आएगी खुशी के मारे, जब आपकी ज्वाइनिंग का अगला दिन होगा और एक रात पहले आप सोने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन खुशी के मारे सो नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि आपको यह एहसास होगा कि कल मेरी ज्वाइनिंग का दिन है, कल मैं पहला दिन जाऊंगा अपनी जॉब पर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं कि अभी पढ़ लो, पूरा फोकस यहां कर लो, उस मंजर का वेट करो, ठीक है, आएगा जरूर। चलिएगा, देखिएगा अब इधर, यहां पर चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो फिर तो छेद कर दोगे आप, ठीक है। चलिए देखिएगा इधर, ऑल एआरबी बनाते हैं भाई साहब, रटना नहीं है, हर चीज समझनी है।
ऑल ए आर बी, सारे ए क्या है, बी हैं। नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है। ठीक है, ये एक डायग्राम बनाया मैंने। रुकावट किस पर है, बी पर रुकावट है। ठीक है, देखिएगा इधर, ऑल ए आर बी, सारे ए बी हैं, नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है, ये एक डायग्राम बनाया हमने। अब बी सी नहीं है तो मुझे बताओ क्या ए कभी सी पे जा सकता है क्या? अरे रुकावट यहीं लगा दी तुमने, कोई भी बी सी नहीं है, तो बी के अंदर आने वाला ये वाला पोर्शन, ये बी सी नहीं। चलो अब इधर देखना क्या कह रहा है, सम बी आर सी, वो कह रहा है कुछ बी सी हैं। क्या कह रहा है वो, वो कह रहा है कुछ बी सी हैं। अरे भैया 100% गलत बोल रहे हैं, बी तो सी हो ही नहीं सकते, दे रखा है साफ साफ कि कोई भी बी सी नहीं है, पर वो तो बोल रहा है कुछ बी सी हैं, ये बात 100% गलत है। नेक्स्ट दे रखा है कि नो बी आर सी, नेक्स्ट क्या दे रखा है, नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है, तो आप कहोगे कि यस 100% सत्य है। तो अरे भैया ये तो 100% सत्य है, ये क्या है, ये तो 100% सत्य है कि हाँ कोई भी बी सी नहीं है। तो अब तुम कह दो कि सर ये तो सम और नो का केस बन रहा है ना, सर ये तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बन रहा है ना, सर ये तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम बन रहा है ना। भैया यहां एक केस फेल हो गया, आइदर और बनने से पहले नाइदर नोर बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था, नाइदर नोर, पर नाइदर नोर कहां बना, एक गलत है, दूसरा तो 100% हम 100% श्योर है कि कोई भी बी सी नहीं है, और वही बात उसने बोल रखी है नो बी आर सी, और ये बात बिल्कुल सत्य है। तो आंसर इसका क्या बनेगा, सेकंड फॉलो, रटना नहीं है समझना है। कुछ कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि भैया जहां भी सम और नो मिले एक बार होने और एक बार ना होने की बात देखे आइदर और चेक देना, पर भैया आइदर और कहां है, ये तो सो है, सही है। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं उन भाइयों की जो कहते हैं कि रीस्टेटमेंट फॉलो नहीं करता, अभी बड़ा मजा आएगा, और उन टीचर्स का भी बड़ा मजा आएगा जो रीस्टेटमेंट को फॉलो करवा रहे। ठीक है 2019 में तुमने फॉलो करवाया समझ में आता है, लेकिन तुम 2023 में भी अगर फॉलो करवा रहे हो ना, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, और तुम उन स्टूडेंट्स की भी दोस्तों हालत खराब कर रहे हो। तुम्हें खुद को कुछ नहीं आता और तुम उन टीचर उन स्टूडेंट्स को सिखा रहे हो जिसमें तुम ये बोल रहे हो कि रीस्टेटमेंट जो है फॉलो नहीं करता। अच्छा अब मुझे बताना कि रीस्टेटमेंट फॉलो नहीं करता, ये चीज सही होगी या गलत होगी, थोड़ा दिमाग लगाना है ना। नो बी आर सी, तुम 100% श्योर हो ना कि कथन कभी गलत नहीं होगा, श्योर हो ना कि कथन तो हमेशा 100% सत्य ही रहेगा। ठीक है कथन तो 100% सत्य ही रहेगा। ठीक, अब इसका मतलब तुम्हें कथन में दिया है नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है, और तुम्हें निष्कर्ष में भी दे दिया नो बी आर सी, और कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो रीस्टेटमेंट है, और रीस्टेटमेंट तो रॉन्ग होगा ना, तुम कहोगे कि रीस्टेटमेंट है, रीस्टेटमेंट तो रॉन्ग होना चाहिए। रीस्टेटमेंट मैंने लिखाया है ऑलवेज फॉलो, रीस्टेटमेंट हमेशा फॉलो करेगा 100%। अरे एक बार एग्जामिनर ने गलती करी पर उसकी सजा तुम बच्चों को अभी तक दोगे क्या 2023 में भी? हाँ अरे रीस्टेटमेंट भाई साहब फॉलो करेगा, तुम करके बता दो इसको गलत, तुम कह दो कि नो बी आर सी गलत है, मुझे बता दो किस बिहाफ पर तुम नो बी आर सी को गलत ठहराओगे, ये बताओ मुझे आप। रीस्टेटमेंट ऑलवेज फॉलो, चेक कर लो, उसने खुद ने कथन में कहा है कि कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है। हां हम 100% श्योर हैं कि कोई भी बी सी नहीं है, किस बिहाफ पे गलत करोगे? अगर तुमने इसको गलत कर दिया तो फिर तो तुम इसमें आइदर और लगवा दोगे। क्यों, अगर तुमने इसको गलत कर दिया कि नो बी आर सी नहीं, ये तो गलत है क्योंकि ये तो रीस्टेटमेंट, रीस्टेटमेंट का मतलब होता है कि हूबहू वैसा लिखा हुआ वाक्य, अरे हूबहू वैसा लिखा हुआ वाक्य अगर दिया है तो गलत कर दोगे, मतलब कथन की बात को ठुकरा दोगे इसका मतलब तुम। तो अगर तुमने नो बी आर सी को गलत कर दिया इसका मतलब तुमने तो सीधा सीधा कथन में दी गई बात को ठुकरा दिया कि नो बी आर सी गलत है, जबकि कथन में दी गई बात तो 100% सत्य होती है। फंस गया भाई साहब ये वो बताने वाला जो कहता है कि रीस्टेटमेंट फॉलो जो है नहीं करता है, फंस गया कि नहीं फंस गया? तो तुम तो समझदार बनो भाई, तुम्हें तो भगवान ने अक्कल दिए,
तुम्हें तो भाई साहब भगवान ने बुद्धि दी है, तुम तो भाई साहब एकदम सजग रहो कि कथन में दी गई वाले वाक्य तो हमेशा सत्य होगा, अगर वो सत्य है तो किसी भी कंडीशन में हम इसको गलत नहीं ठहरा सकते, और अगर गलत ठहरा देंगे तो फिर तो ये इंडिविजुअली चेक करने पर दोनों रॉन्ग हो जाएंगे और फिर आइदर और बन जाएगा, परंतु हम जानते हैं कि ये तो 100% सत्य है क्योंकि साफ साफ रुकावट दी है कि कोई भी बी सी नहीं है, और यही बात उसने कंक्लूजन में चेक करवा दी कि नो बी आर सी, यस 100% सत्य है, और 100% जहां हम किसी चीज के लिए सत्य ठहरा देते हैं वहां कभी भी आइदर और नहीं लगता, क्योंकि आइदर और तो लगता ही वहां है जहां डाउट होता है, जहां संदेह होता है, जब हम 100% श्योर नहीं होंगे वहां लगता है, परंतु जहां हम 100% श्योर होंगे वहां आइदर और कभी भी नहीं लगता है। तो ये बन गया सेकंड फॉलो, क्या बनेगा सेकंड फॉलो, मजा आया, चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं भाई साहब, अगला देखते हैं भैया, अभी इधर देखते हैं, ठीक। यहां दिया है दोस्तों सम बी आर सी, कुछ बी सी है, ठीक है, आगे करते हैं, आगे दिया है सम बी आर सी, कुछ बी सी है, क्या इस डायग्राम में सी है, क्या इस डायग्राम में बी सी है, आप कहोगे कि नहीं गलत है, फिर अब कहेगा सम बी आर नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है। मैं अब तुम्हें यहां पर एक चीज समझाना चाहता हूं मित्रों, ठीक है, एक चीज यहां पर बहुत ही प्यारी सी समझाऊंगा, आपको होगी कि मजा आ गया, जीवन का आनंद आ गया, ठीक। लीजिए एक बढ़िया सी चीज समझाता हूं मैं तुम्हें, आज के बाद सारे कंफ्यूजन खत्म तुम्हारे, देखना है ये बाद में बहुत याद आएगी बेटा मेरी, ठीक है, अभी याद करोगे या ना करोगे, जब खुद से क्वेश्चन करने लगोगे तब बड़ी याद आएगी, तो बार बार इस सेशन को उठा के देखोगे आप, और लाइक करने में तो आप कंजूसी कर ही देते हो, है ना, सभी लोग दिल से लाइक कर देंगे, एक बार शेयर कर देंगे। अब यहां पर देखेंगे, मान लीजिए मैंने आपको कथन दिया ऑल ए आर बी, क्या दिया ऑल ए आर बी, ठीक, ऑल ए आर बी, जिसका मतलब है सभी ए बी हैं, है ना, और मैं आपको कंक्लूजन देता हूं, अब यहां पर मैं आपको यहां पर एक कंक्लूजन दे रहा हूं, यानी कि निष्कर्ष दे रहा हूं मित्रों, और मैंने लिखा, ठीक है, ऑल ए आर बी दिया, और मैं अब आपको यहां पे चेक करवा रहा हूं सम ए आर बी, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, ये चीज गलत होगी या सही होगी मुझे बताओ, कुछ ए बी है, ये बात सही होगी या गलत होगी, ठीक, आप करो आप करो। अरे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जिसके अंदर मैंने स्टेटमेंट लिखा है, यहां कथन लिखूंगा और यहां लिखूंगा निष्कर्ष कंक्लूजन, ठीक, देखना है क्या लिखा मैंने, नो ए आर बी, नो ए आर बी अर्थात कोई भी ए बी नहीं, और यहां लिखा मैंने, अच्छा तो वन ही है ना, एक ही तो दिया है मैंने, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, ठीक। चलो भैया करते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना भैया, अच्छे बहुत बढ़िया से, कथन को 100% सत्य मानेंगे और डायग्राम बनाएंगे, क्या दिया है ऑल ए आर बी, आपने डायग्राम बनाया, सारे ए क्या हैं, बी हैं, ऑल ए आर बी, अगर सारे ए बी हैं तो कुछ ए तो बी होंगे ही, अरे सारे ए बी हैं तो कुछ ए बी हैं, 100% सत्य है, ठीक है, परंतु अब मैंने बोला नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, मैंने बोला था सारे ए बी हैं तो कुछ ए बी हैं, 100% सत्य है,
अरे भाई जब कोई भी ए बी नहीं है तो कुछ ए भी बी नहीं है तो ये भी तो 100% सत्य होगा, है सत्य होगा कि नहीं होगा? पर कुछ लोग यहां पे बोल रहे हैं कि गलत है, इसे कहते हैं मूर्ख प्राणी। अरे भाई जब सारे ए बी हैं तो कुछ ए भी बी होंगे, अरे जब कोई भी ए बी नहीं है तो कुछ ए भी बी नहीं है, सत्य तो है यार, इसमें क्या सोचना है, इसमें क्या सोचना है, दोनों सत्य हैं, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है कि नहीं? जब कोई भी ए बी नहीं है तो कुछ ए भी बी नहीं है, जब सारे ए बी हैं तो कुछ ए भी बी हैं, जब कोई भी ए बी नहीं है तो हम सीधा सा ये भी कह सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहां पर देखना इस प्रश्न को, तो वही तो चीज है, जब कोई भी बी सी नहीं है तो कुछ बी बी सी नहीं है, सत्य तो होगा। जब कोई भी बी सी नहीं है तो सम बी आर नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है, सत्य तो है। आंसर क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा, सेकंड बोलो, इसका भी आंसर क्या बना, सेकंड बोलो, है कि नहीं? क्या बना, सेकंड बोलो, सिंपल सी चीज। यही तो सिलोज्म की खास पहचान है कि तुम्हें जहां जहां लगेगा ना वहीं वहीं पर मैं तुम्हें मिलूंगा, टेंशन मतलब मेरी बहुत याद आएगी बाद में, ठीक है? क्लियर, बात समझ में आ गई? चलते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अब करो इसको। सम अवोकाडो आर बॉल, कुछ अवोकाडो जो है ना वो बॉल है, और नो बॉल आर कोट, कोई भी बॉल कोट नहीं है। उसने बोला कुछ अवोकाडो बॉल हैं और कोई भी बॉल कोट नहीं है, रुकावट किस पर है? रुकावट है बॉल और कोट पे। अवोकाडो पर किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है, जिस पर रुकावट नहीं होती वो कैसे भी एक दूसरे में मिक्स कर सकता है, ठीक। अब आपने यहां बनाया सम अवोकाडो आर बॉल, सम अवोकाडो आर बॉल, और उसने बोला नो बॉल आर कोट, अरे बॉल कोट नहीं है, बॉल कोट नहीं है पर अवोकाडो तो कोट हो सकता है। लो बॉल और कोट पर लगा दी तुमने रुकावट कि बॉल कोट नहीं है परंतु अवोकाडो तो कोट हो सकता है, अवोकाडो पर थोड़ी रुकावट है, अवोकाडो थोड़ा काटे चाहे इसको, अवोकाडो चाहे कोट को पूरा काटे, तो उसकी चॉइस है, सही है कि नहीं? क्लियर है? चलिए एक से ज्यादा डायग्राम बन गए प्रश्न के, अब चेक करते हैं। सम अवोकाडो आर कोट, वो बोल रहा है कुछ अवोकाडो कोट हैं, आप कहोगे कि जी नहीं, नहीं है इस डायग्राम में अवोकाडो कोट, आप कहोगे कि कुछ अवोकाडो कोट हैं, आप कहोगे कि जी हाँ इसमें सत्य बोल रहा है, इसमें कुछ अवोकाडो कोट दिख रहे हैं मुझे, एक में गलत एक में सही, एक में भी गलत तो वो चीज क्या होती है, गलत। फिर बोल रहे हैं नो अवोकाडो आर कोट, कोई भी अवोकाडो कोट नहीं है, आप कहोगे कि हाँ इसमें सत्य है, यहां कहेगा कि कोई भी अवोकाडो कोट नहीं है, आप कहोगे कि गलत, इसमें तो कुछ अवोकाडो कोट दिख रहे हैं परंतु आप तो कह रहे हो कि कोई भी अवोकाडो कोट नहीं है, तो अलग अलग जांचने पर हो रहे हैं रॉन्ग, अलग अलग जांचने पर हो रहे हैं रॉन्ग, एक से ज्यादा डायग्राम बन रहे हैं, एक सेंटेंस पॉजिटिव है एक सेंटेंस नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्रिडिकेट भी क्या है, सेम है, अवोकाडो कोट अवोकाडो कोट, है ना, सब्जेक्ट प्रिडिकेट भी सेम है, सम और नो का केस भी बन रहा है, तो एक बार वो बोल रहा है कि है, दूसरी बार बोल रहा है नहीं है, या तो वो चीज होगी या फिर वो चीज नहीं होगी, केस किसका बन गया मित्रों, जल्दी से बता दो फटाफट से थम्स अप करके शेयर करके कि यस सर ये केस बन गया आइदर और का, मजा आ गया कि नहीं आ गया, मजा आ गया सभी लोगों को, कंसेप्ट क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है, सम अवोकाडो आर कोट, चलो इसको करते हैं, वो बोल रहा है सर सम अवोकाडो आर कोट, सम अवोकाडो आर कोट, क्या इस डायग्राम में अवोकाडो कोट है क्या, आप कहोगे कि गलत, यहां बोलोगे सम अवोकाडो आर कोट, कुछ अवोकाडो कोट हैं, आप कहोगे कि यस, एक में गलत एक में सही, तो एक में भी गलत तो वो चीज क्या लेते हैं, गलत लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है सम अवोकाडो आर नॉट कोट, कुछ अवोकाडो कोट नहीं है, कुछ अवोकाडो कोट नहीं है, ये भी 100% सत्य है, क्या ये वाले अवोकाडो कभी कोट हो सकते हैं? भाई कोई भी बॉल कोट नहीं है,
तो अवोकाडो और बोल का कॉमन पोर्शन, ये वाला कॉमन पोर्शन, क्या ये कभी कोट हो सकता है? उसने बोला कुछ अवोकाडो कोट नहीं है, तो 100% सत्य है भैया, 100% सत्य है कि ये वाले अवोकाडो कभी कोट नहीं होंगे। ये वाले अवोकाडो कभी कोट नहीं होंगे, इसमें भी सत्य है। तो इसमें भी सही, तो ये 100% क्या हो जाएगा? सही। तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही, तो इस केस का आंसर तो क्या बनेगा? सेकंड फॉलो। इसका तो आंसर क्या बनेगा भैया? सेकंड फॉलो बनेगा। इसका आंसर क्या बनेगा? सेकंड फॉलो बनेगा। इसमें आइदर और नहीं लगे, तो सम और सम नॉट के केस में आइदर और नहीं लगे। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया पहले तो ये बता दो फटाफट से। ठीक है, आइदर और में सम और नो का केस है, ऑल और सम नॉट का केस है। ठीक है, सम और सम नॉट के केस को आइदर और में नहीं रखा है। ठीक है, ये रूल जरूर याद रखिएगा कि आइदर और से पहले नाइदर नोर बनना चाहिए, दोनों निष्कर्ष में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान होने चाहिए, ऑर्डर इनका डिफरेंट हो सकता है, सम और नो के केस में आगे पीछे हो सकते हैं, परंतु ऑल और सम नॉट के केस में आगे पीछे भी नहीं होंगे, ए बी ही रहेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में विस्तृत तौर पे आपको चीजें समझा दी। ठीक है, कल फिर हम पॉसिबिलिटी वाले केस पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ने के बाद बड़ा मजा आएगा, पर मैं चाहता हूं कि आप आइदर और के केस को तो अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई? सभी बच्चे एक बार थम्स अप करके अगर आप एक बार लिख दें कि सर मजा आ गया, तो मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए, ये थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, अगर आप इन चीज़ों को अगर आप ढंग से नहीं समझोगे तो दोस्तों फिर आपके लिए परेशानी। इसलिए डेली का डेली रिवीजन करते रहें, और जो भी किताब जो भी बुक वगैरह आप लोग फॉलो कर रहे हों उससे अच्छे से आप लोग जो हैं क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं इस क्लास की PDF जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ टेलीग्राम पे। ठीक है, और कल जब मैं आप पॉसिबिलिटी का केस पढ़ाऊंगा, तो पॉसिबिलिटी के केस को कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है, तो कल का सेशन और परसों का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा। सभी बच्चे जो है रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर एंड रीजनिंग लाइव शॉर्ट्स दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो दोस्तों लिंक है ही, पर आप चैनल का नाम याद रखें, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ब्रैकेट में लिखा हुआ है चैनल। ठीक है, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ब्रैकेट में लिखा हुआ है चैनल, जिसका लिंक है t.me/reasoninglivebydeepaksir चैनल। ठीक, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ग्रुप, जिसका लिंक है t.me/reasoninglivebydeepaksir group। ठीक भाई, क्लियर है, बात समझ में आ गई? ये चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, यहाँ पर PDF मिल जाएगी, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कशन के लिए। ठीक, बैच अपना दोस्तों चालू हो ही गया है, आप सभी लोग जानते ही हैं। अब जो है दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग अपनी स्टार्ट होने वाली है, तो जो भी बच्चा बिल्कुल नए सिरे से एक ही बार में सारी चीजों को खत्म करना चाहता है, प्रत्येक टॉपिक चाहता है कि एकदम मस्त तरीके से मेरा कंप्लीट हो जाए, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर ले, क्योंकि बैच में प्रैक्टिस बाद में हो, मतलब अभी थ्योरी चल रही है, तो मैं चाहता हूं एक बार थ्योरी ढंग से पढ़ लो बहुत अच्छे से, और फिर साथ ही साथ प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करने के साथ साथ डाउट जो भी है डाउट क्लियरिंग सेशन में डाउट क्लियर कर लो। आपके पास में वीडियो सॉल्यूशन फैसिलिटी भी अब आपको ऐप पर मिल रही है, साथ ही साथ आपके जो भी डाउट वगैरह हैं उसके फोटो वगैरह भी खींच के आप भेज सकते हैं, 2 घंटे के अंदर ही आपके सारे डाउट वगैरह जो है सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा नया बैच ही है ये, नए बैच से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और अब इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग अपने आप में ही बहुत बड़ा पोर्शन है, हम वर्बल को जितना टाइम देते हैं, नॉन वर्बल को जितना टाइम देते हैं, हम लॉजिकल रीजनिंग को उतना टाइम देते ही नहीं। और आपने ग्रुप डी में देखा होगा यार, 3-3, 4-4 प्रश्न आपको देखने को मिले, NTPC में तो भर भर के भाई साहब लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न है, स्टेटमेंट कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, इसके अलावा जो है कोज और रिजल्ट, कोज एंड इफेक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, असर्शन एंड रीजन, इन सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, A to Z कंप्लीट रीजनिंग फाउंडेशन बैच है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोग यूँ समझ लीजिए ये रामबाण है, और बहुत ही सस्ता बहुत ही रीजनेबल प्राइस में D30 कोड का प्रयोग करेंगे, 30% का ऑफ मिलेगा, 1 साल की वैलिडिटी आपको इस बैच में मिलेगी। रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर ऐप पर डाउनलोड कर लीजिए जाकर ऐप को, और धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस करिए रीजनिंग की, मैथ्स की। रीजनिंग और मैथ्स का कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं तो मात्र ₹1330 में आपको मैथ और रीजनिंग से छुटकारा मिल जाएगा।
एक साल की वैलिडिटी है, रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर ऐप पर अभी जाकर डाउनलोड कर लीजिए और ए टू जेड कंप्लीट फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। 12 महीने की वैलिडिटी, डेली क्लास की पीडीएफ, प्रैक्टिस पीडीएफ, अब तो बहुत सारे फीचर्स आ गए, क्विज आपको मिल रही है, होमवर्क के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं भाई साहब, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा आप लोगों के लिए डाउट सेशन प्रत्येक दो चैप्टर के बाद में वीडियोस डाउनलोड करने का ऑप्शन, पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन, 350 से ज़्यादा फुल लेंथ बूस्टर टेस्ट, डिटेल सॉल्यूशन इनके, और साथ ही साथ लैपटॉप और कंप्यूटर पे भी अटेंड करने का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो जाइए रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर ऐप, ठीक है, रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर ऐप को आप लोग कर लीजिए डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर से और बढ़िया से जाके मस्त तरीके से कार्य कीजिए। पेड कोर्स में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज में टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, बुक्स में बुक्स मिल जाएगी, बहुत प्यारी ऐप है दोस्तों, जाके डाउनलोड करो। ये अपना टेलीकॉलिंग नंबर है, कोई भी समस्या है तो कॉल कर लेना, वैसे तो आएगी नहीं आपको, 9602514332, ठीक। ₹1 में जीडी की टेस्ट सीरीज, धमाकेदार तरीके से आप लोग टेस्ट लगा रहे हो, बहुत मजा आ रहा है। आप ऐप डाउनलोड कर लो, ₹1 में आप जीडी की 400 मॉक टेस्ट की टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, या फिर आप reasoninglife.com वेबसाइट पर जाकर भी दोस्तों, यहाँ पे आप जाके यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर दिखेगी आपको ये टेस्ट सीरीज, ठीक है, ताकि आप अच्छे से डिटेल में, जैसे एग्जाम हॉल में एग्जाम में पेपर खुलता है ना, वैसी टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बनाई गई हैं ताकि आप लोग अफोर्डेबली, सभी बच्चा अपनी जो है, कोई ये ना कहे कि नहीं यार पैसे की वजह से भाई साहब अपनी पास शिक्षा जो है ना मिली नहीं या टेस्ट सीरीज अपने को मिली नहीं। ALP RPF के 300 टेस्ट ₹99 में, एक साल की वैलिडिटी इसकी, भाई साहब और क्या चाहिए तुम्हें, ठीक है, क्लियर। और 2000 से ज्यादा टेस्ट सभी स्ट्रीम के, चाहे बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, पुलिस हो, पटवारी हो, स्टेट लेवल के एग्जाम हो, अदर एग्जाम्स हो, ₹199 में सारे 2000 टेस्ट, ठीक, जाके जम के reasoninglife.com वेबसाइट पर एक साल की वैलिडिटी के साथ ज्वाइन कर पाएंगे। बुक तो भैया शानदार तरीके से मिली रही है, MTS के लिए, GD के लिए अगर आप लोग ये जो बुक लेते हैं, ₹270 में बुक आपको मिल जाएगी आपके घर तक, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की इसके अंदर 100 सेट हैं, कितने सेट हैं, 100 सेट, 100 सेट हैं, एक सेट में 25 क्वेश्चन हैं, तो 100 × 25 कितने हो गए, 2500 रीजनिंग के प्रश्न बायलिंगुअल कंटेंट के साथ। इस रेलवे वाली बुक भी ₹270 में आपके घर तक पहुंच रही है, एक सेट में 30 क्वेश्चन है, तो 30 × 100 सेट हैं टोटल मिला के, 3000 रीजनिंग के प्रश्न, कैसे नहीं होगा सिलेक्शन, 100% होगा। और दोनों ही बुक लेते हो तो मात्र और मात्र 535 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगी, ठीक। रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर ऐप पर जाकर आप लोग विजिट करिए, D30 कोड का प्रयोग करेंगे, 30% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक। ये अपनी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाकर बहुत सारे आपके पास फ्री टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज हैं, क्विज हैं, करंट अफेयर्स की चीज़ें भी डालना चालू कर दी हैं अब, इस पर बहुत सारे काम हो रहा है दोस्तों बैकएंड पे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस पर भी मिलने वाली है, आप इस पर भी जाके यूज़ कर सकते हैं। ऑल टेस्ट सीरीज 199, इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज आप 99 में ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक। चलिए थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।